सो हाई एंडिसोडी और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ जिम्स रोहिणी के सेक्टर फाइव को ये वीडियो बनाने से पहले आया है इंट्रैक्टेड विद स्टूडेंट्स ठीक है एंड नॉट गोइंग टू डिस्कलोज द नेम बिकॉज जब आप कॉलेज में जाके पढ़ने लगोगे देन यू कैन ईजीली रिलेट टू दिस की ऐसा ना हो कि मेरी uh, मेरे ऊपर कोई चीज़ आ जाए पर ये जो पीछे कंटेंट है ये मेरी टीम ने बनाया है कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी तो पूरा वीडियो कम्प्लीट देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और शुरू करते हैं इस एपिसोड को स सर आई होप यू गई डूइंग गुड एंड वी आर गोइंग टू रिव्यू जिम्स रोहिणी सेक्टर फाइव सेक्टर थ्री में भी कॉलेज है पर हम ये वीडियो में सेक्टर फाइव को रिव्यू करने वाले हैं जब बच्चे का पर्सेंटाइल कैट में या मैट में या जाट में बहुत अच्छा नहीं होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है बहुत सारे कॉलेजेस लिस्ट में आ जाते हैं जो हमको कई तरह के काउंसलर सजेस्ट करते हैं कुछ नहीं सजेस्ट करते हैं हम गूगल पे देखते हैं अब होता क्या है कि इन सभी कॉलेजेस का मैं फिर कह रही हूँ रिव्यू पे आएंगे पर ये इंफॉर्मेशन जो तुम्हें बता रही हूँ ना ये तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी है कि जितनी भी कॉलेजेस हैं उन सभी के पैकेजेस कहीं ना कहीं सेम होते हैं राइट right? सेम कैसे होते हैं कि साढ़े छः कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको छः सात लाख के एवरेज पैकेजेस वाले मिलेंगे देन कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको आठ नौ लाख के एवरेज पैकेजेस वाले मिलेंगे देन एक कॉलेजेस की सीरीज आती है जहाँ पे दस लाख से ऊपर वाले दस uh, से ग्यारह लाख के पैकेजेस वाले कॉलेजेस होंगे तो होता क्या है कि उन कॉलेजेस में उनकी वेबसाइट्स के हिसाब से कहीं ना कहीं ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है पर यहाँ पर हमारी प्रोफाइल हमारी स्पेशलाइजेशन अलग से यू नो कोई बच्चा है uh, उसको इसी कैटेगरी के और भी कॉलेजेस में तो एडमिशन मिल गया है बट एवरेज पैकेज जो है वो कहीं ना कहीं सेम है बट उसकी कॉम स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है तो उसको एक ऐसा कॉलेज चाहिए जो थोड़ा सा उसको लेके ज्यादा फोकस करे तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे एक फॉर्म दिया जिसको फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं तो ये कुछ प्रोग्राम हाईलाइट्स हैं जिम्स रोहिणी सेक्टर फाइव की काफ़ी लंबा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया पर वो ज़रूरी भी था Uh, सारी गुड गुड चीज़ें कोर्सेज़ uh, पे हम बात करते हैं पीजीडीएम जनरल डी आता जनरल कराता है मार्केटिंग फिनेंस एचआर ऑपरेशंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर इसमें 180 एटी सीट्स हैं देन इनका आईबी है जिसमें आई एम नॉट रॉन्ग वन ट्वेंटी सीट्स हैं और रिटेल मैनेजमेंट में वन सीट्स हैं ये इन दोनों की सीट्स हम आगे देखेंगे और जितना मुझे नॉलेज है देन पीजीडीएम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड एफपीएम भी कराता है ये सीट्स हो गई मैंने 120 बोली बट इट इज 60 फॉर दिस एंड 60 फॉर रिटेल मैनेजमेंट तो 180 सीट है 60 60 मतलब इनटेक बहुत ज्यादा नहीं है तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दी कॉलेज तो दैट इज द पॉइंट मार्केटिंग फाइनेंस एचआर आई थिंक इन्होंने ऑपरेशंस uh, भी है और यू नो बिजनेस एनालिटिक्स भी है बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है देन ये वेटेज क्राइटेरिया है जिस स्टूडेंट से मैंने बात की उसने मैट के थ्रू एडमिशन लिया था इस कॉलेज में एंड उसका आई थिंक सिक्सटी फाइव परसेंट टाइल था मैट में सिक्सटी फाइव सेवेंटी परसेंट टाइल था तो उसका कहना है ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है एंट्रेंस एग्जाम का तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो कॉल करते हैं जो कहते हैं मैम इसका तो सेवेंटी परसेंट टाइल तो ना ही कैट में ना ही मैट में एसच कोई कट ऑफ नहीं है ये उनका ओवरऑल सिलेक्शन

तो उन्होंने यहाँ पे भी स्पेसिफाई किया कम्युनिकेशन टू लीड फाइव परसेंट क्लियरिटी ऑफ थॉट्स एंड एनालिटिकल स्किल्स फाइव कम्युनिकेशन फाइव तो ये कहीं ना कहीं है नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक एनी ऑफ कॉलेजेस जिनके एवरेज पैकेज छह सात लाख के बीच में है, पर ऐसा भी नहीं है कि आपके कॉम्स नहीं है कॉम्स इंपॉर्टेंट है और एटलीस्ट डिसडमिक्स इंपॉर्टेंट है तो ये दो चीजें हैं एंड गुड टू गो विद द कॉलेज फीस स्ट्रक्चर की बात करें जो स्टूडेंट से मैंने बात की उसकी फीस एट लाख उसने मुझे बताई बट बत यहाँ पे इट्स एट लाख सेवेंटी थाउजेंड प्लस सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो कि रिफंडेबल फीस है ये इंस्टॉलमेंट का स्लाब है जिसमें आप पे कर सकते हैं तो आठ लाख सत्तर हजार रुपए फीस हो गई अब ये हॉस्टल की फीस है जो वन लाख फिफ्टी सेवन थाउजेंड है जो कि डबल ऑक्युपेंसी है और इसको भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं तो लेट्स से मैं तीन लाख हॉस्टल का मान लू और नौ लाख की मान लू तो नौ दस ग्यारह बारह और एक लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए तेरह लाख का एक्सपेंडिचर आपको इस कॉलेज में पड़ जाएगा तो ये हॉस्टल होगी नैम टॉकिंग बाउट द बैच प्रोफाइल ये 2023 का है मार्केटिंग 54 फोर परसेंट सिक्स थर्टी सिक्स परसेंट फाइनेंस एच आर टेन परसेंट देन अदर सिक्सटी फोर परसेंट कॉमर्स ट्वेंटी सिक्स परसेंट इंजीनियर्स टेन परसेंट यू uh, नो you know, ये आई थिंक इन्होंने मार्केटिंग फाइनेंस एच का बैच प्रोफाइल बताया हाईएस्ट सिक्सटीन लाख का है एवरेज सिक्स का है अब एवरेज 6.5 का कॉलेज क्लेम कर रहा है हाईएस्ट 25,000 का साइपन है राइट एंड हाईएस्ट सी 16 पर मुझे बच्चे ने जैसा बताया उसने मुझे बोला कि इनका अभी जो रिसेंट पैकेज है आई एम आई माइट कैन बी रॉन्ग और राइट 19 लाख का खिमजी राम रामदास जी में प्लेसमेंट गया है 19 लाख का डिलॉयट भी आई थी तेईस बच्चों को लेके गई है ईवाई 25 बच्चों को लेके गई है तो ऐसी भी कंपनीज आती हैं सेल्स की प्रोफाइल भी आती हैं राइट right? तो ऑल इन ऑल मिक्स तरह का प्लेसमेंट है क्योंकि इनटेक बहुत ज़्यादा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होता है तो फिर आप कहोगे कि मैम इसका मतलब तो कॉलेज अच्छा है तो मैं ये नहीं कह रही कि कॉलेज बुरा है बट वट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जिस प्रोफाइल पे ये कॉलेज है फिर उस कैटेगरी में और भी कई सारे कॉलेजेस आ जाते हैं मार्केटिंग के लिए आप देख सकते हो फिनांस के लिए आप देख सकते हो जस्ट स्टार्ट लिस्ट में इसके अलावा कौन से ऑप्शन है और उनमें से से कौन से नंबर पर रखना चाहिए ये एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान देना है बच्चे ने यह कहा कि मैम जिस तरह की फीस है फीस के हिसाब से आप देख सकते हो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छा कॉलेज है पर जो फीस है फीस के हिसाब से जो एवरेज पैकेज है उस हिसाब से कहीं ना कहीं सही कॉलेज है और अगर आप वहां पे परफॉर्म करते हो तो आप किसी भी कॉलेज में अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी परफॉर्म करते हो तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं ये कुछ न्यू रिक्रूटर्स हैं बाकी हर तरह के रिक्रूटर्स आते हैं आई थिंक पीजीडीएम पी जी डी आई बी आर एम ट्वेंटी थ्री ये इनका मिनिमम एटी परसेंट आई इनकेट ऐसा कुछ नहीं है आई uh, थिंक ये इनका इनिशियल पेमेंट है विच इज रिक्वायर्ड ये क्लब्स हैं क्लब्स काम करते हैं बट दीज आर नॉट की इट्स लाइक अ डेली बेसिस काइंड ऑफ अ क्लब एज पर स्टूडेंट मैं फिर वही कह रही हूँ मैं बार बार एज पर स्टूडेंट इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा बेरी करे जिन स्टूडेंट से मैंने बात की उनके हिसाब से मैं फीडबैक दे रही हूँ क्योंकि देखो अगर ये वीडियो मुझे यू नो नेगेटिव बनाना होता तो मैं ये नहीं बोलती कि यू नो डिलोइ में भी प्लेसमेंट्स हैं ई वाई में भी प्लेसमेंट्स गए हैं डिसेंट ऑप्शन है तो वट एवर आई एम सींग इज एज पर स्टूडेंट्स हुम आई हार्ट इंटरेक्टेड विद ये सारे क्लब्स हैं कुछ एक्टिव हैं कुछ Uh, you know, बट उतनी एक्टिव नहीं है ये एलुमनाइज है कुछ कॉलेज के जो कई सारी कंपनीज में कई सारी प्रोफाइल्स पे काम कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल शरद सिंधवानी ये जिम्स में इन्होंने स्टार्ट किया था राइट एंड ही इज वर्किंग कंपनी कॉल्ड पैनासिया बायोटेक लिमिटेड राइट देन कुमार दिग्विजय सिंह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट येस बैंक सीईओ मॉरिशियस वनियन ट्री बैंक लिमिटेड रितेश आबी तो ये कहीं ना कहीं एलुमनाइएसोड वन नाइन में कंक्लूड करूंगी आपको इस वीडियो से uh, what I'm saying is it's a decent option to consider, including the fee structure. But specialization, एक चीज आपको देखनी है list में और कौन से colleges हैं because हो सकता है इसी में इसी category में कई सारे colleges के average package आठ नौ लाख के भी हैं right? तो उनमें से आपको कौन सा prefer करना है कौन सा नहीं prefer करना है ये आपको decide करना है बाकी ऐसी videos के लिए बने रहे हैं मेरे साथ I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.